हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्र आपके साथ और आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्स पे। गाइस, तो हम आरआरबीपीओ मेंस की बात कर रहे हैं या क्लरिकल मेंस की बात कर रहे हैं, तो आज का सेशन उसके लिए है। आपके सामने कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन आएंगे और आपको उसके आंसर्स करने हैं। आपको ये देखना है कि आपने जो पढ़ा है आप मेरे क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, कितने कर पा रहे हैं, और लास्ट में अपने मार्क्स मुझे कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो गाइज, मेरा टाइमिंग आपके सामने है करंट अफेयर्स का, मंडे टू संडे 9 AM एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। फिलहाल अभी हम मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं, कल भी आपका मॉडल पेपर ही होगा फॉर आरआरबी पीओ मेंस, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए गाइज, तो आगे बढ़ते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं मेरे दो बैचेस का। तो एक बैच मेरा करंट अफेयर्स पर बेस्ड एमसीक्यू का है, जो कि हमारा डेली 3 से 4 PM पे होता है, जहां पर हम मंथ बाय मंथ, टॉपिक बाय टॉपिक, मिक्स बैक सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। और दूसरा बैच हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, बेसिक टू हाई लेवल मेरे कोर्सेज हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये दोनों कोर्स मेरे ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ये रहा, और यहां पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। गाइस, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने चूज योर गोल का ऑप्शन आता है कि आपको कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। देखिए, फॉर एग्जांपल हम आपकी यूपीएससी, एम्स, आईआईटी, एसएससी, कैट, बैंक, एमपीबीएससी, एमपीएससी, रेलवे, सारे एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बैंक एग्जाम पे आना है, तो आप बैंक पे क्लिक कर दीजिए। तो जब आप बैंक एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी बैंक एग्जाम की फीस है। गाइस, ये जो फीस आपको दिख रही है, ये फीस किसी 1, 2, 3 एजुकेटर के लिए नहीं है। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर जितने भी अभी कोर्सेस चल रहे हैं, आपको पता है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अगर हम केवल बैंकिंग की बात करें तो मोर देन 100 कोर्सेस चल रहे हैं। और अगर आपने फीस पे कर दी तो आप ये 100 कोर्सेस को पूरा पूरा टेक कर सकते हो, ले सकते हो 100 कोर्सेस। आपको 100 नहीं लेना, कोई बात नहीं, अगर इंडिया के टॉप मैथ्स के, टॉप मैथ्स के, क्वांट के 10 एजुकेटर अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं तो आप उनके सारे कोर्सेस देख सकते हो एक बार फीस पे करके। आप मेरे दोनों कोर्सेस देख सकते हो एक बार फीस पे करके, आपको दोबारा फीस पे नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month, ये सारे आपके सब्सक्रिप्शन के मॉडल है। तो गाइस, अगर आपको हमारा अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म लेना है तो आप चाहे तो 1 month, 3 month, 6 month, 12 month या 24 month के लिए ले सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, ये 1 month, 3 month का अगर आप लेते हैं तो ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि गाइस बैचेस कॉन्टिन्यूस चलते हैं और सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्टिन्यूएशन। और अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर जो बच्चे आते हैं ना, उनके साथ आपको कॉम्पिटिशन करना पड़ता है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि एटलीस्ट 6 month या 12 month या 24 month का आप कोर्स लीजिए, आप फायदे में रहेंगे। देखिए करना क्या है, मान लीजिए आपने 12 month पे क्लिक किया तो क्या आपके सामने ये फीस 6000 आ जाती है, सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक गैप होता है, आपको मेरा ये कोड AM लाइव कोड डालना है तो आपकी फीस कम होकर 5400 हो जाएगी, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो आप एक साल के लिए अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म आपका हो जाता है गाइस, ठीक है। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा, देखिए ये हमारा डेस्कटॉप वर्जन है, ऐसे आपको दिखेगा। देखिए गाइस, हमारे पास 2 साल का मॉडल भी है, मतलब अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म 2 साल के लिए आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। 9600 फीस है, लेकिन अगर आप AM लाइव कोड डालेंगे तो आपकी ये फीस कम होकर कितनी पड़ेगी, 8640। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको लगता है कि आपको टाइम चाहिए, आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब करते हैं कोई भी, तो आप 2 साल के लिए हमारा अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, फीस आपके सामने 8640 रुपए। तो गाइस शुरू करते हैं अपना सेशन और पहला क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिएगा। आइए, तो पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। प्रोफेसर, देखिए प्रोफेसर सीए के एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे, परेशान मत होइए। और जहां तक मुझे लगता है हर एजुकेटर को समझ में आता है कि उसने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। आई एम वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम माय सीए सेशन, और क्योंकि मुझे आज खुल के बोलने का मौका मिला जो मैं नहीं बोल पा रहा था, मैं समझा नहीं पा रहा था चीजों को उतने लंबे से। देखिए सर, आगे आगे देखिए होता क्या है, आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट ना मिले तो कहिएगा। चलिए आंसर दीजिएगा पहला क्वेश्चन। तो आपसे पूछा गया है विच इज द फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे दैट विल हैंडेड ओवर टू प्राइवेट प्लेयर्स फॉर ऑपरेशन। तो हमें इसका आंसर पता है, इसका आंसर दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस है। आपको यह भी पता है कि अगर ये ट्रेन 1 घंटे लेट होगी तो आपको 100 रुपए मिलेंगे, अगर ये ट्रेन 2 घंटे होगी तो आपको 250 मिलेंगे, आपको 25 लाख रुपए का फ्री में इंश्योरेंस भी मिल रहा है। ये सारे पॉइंट आपके हैं दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस के, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the director general in the directorate general of civil aviation।
तो ये अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे देश में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? वी हैव फोर ऑप्शंस और आपको इसका सही आंसर देना है। चलिए, वी हैव फोर ऑप्शंस गाइस, आंसर फास्ट, आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? आंसर आ रहे हैं अरुण कुमार। क्या अरुण कुमार सही आंसर है? तो अरुण कुमार ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री की। तोरण यादव इज एन इंडियन पैरा एथलीट हु वॉन थ्री सिल्वर मेडल एट फोर्थ वर्ल्ड वेल्थ योगा फेस्टिवल एंड चैंपियनशिप। ही बिलोंग टू विच स्टेट? ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़। वी हैव फोर ऑप्शंस, आपको इसका सही आंसर देना है जल्दी से। और इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट हैज प्लान टू रेज अराउंड रुपीज 10,000 करोड़ फ्रॉम सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। गाइस सीपीएसई का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मतलब भारत सरकार कंपनी, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब कि भारत सरकार अपने कंपनी के शेयर बेचेगी। लॉन्च ऑन जुलाई 18, 2019, इट विल बी विच ट्रांच ऑफ द सीपीएसई ईटीएफ। तो ये कौन सा ट्रांच का मतलब क्या होता है? ट्रांच का मतलब आप एडिशन समझ लो कि कौन से बार में, ये कौन सी बार है जब भारत सरकार ऐसा करने वाली है, पांचवी बार, छठवीं बार, चौथी बार, सातवीं बार। आंसर, और यहां पर आंसर आ रहे हैं सिक्स आ रहे हैं, क्या इसका सही आंसर है? एंड द आंसर इज सिक्स, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। और आंसर की हम बात करें, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर कनॉट प्लेस है, ऑप्शन नंबर सी। तो हांगकांग सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है ये पूरे वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफिस बन गया है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सीबीआरई। इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे महंगा प्लेस है फॉर प्रॉपर्टी, कनॉट प्लेस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वॉर ओवर वर्ड्स सेंसरशिप इन इंडिया 1932-1960। We have four options. Answer, guys. Good morning, Surbhi. Ji. Answer kya hoga iska? Aur Devika. Sab log bol rahe hain Devika Sethi. Kya Devika Sethi sahi sahi answer hai? Devika Sethi option number A is right answer. Of course, right answer. Okay. Let's move to question number 7. The CPSE Exchange Traded Fund track share of how many central पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे? छठवां ट्रेंच है, मतलब छठवीं बार भारत सरकार अपने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर बेचने वाली है। तो कितने कंपनीज के शेयर बेचे जाएंगे ये आपसे पूछा गया है, 9, 11, 10, 7। वी हैव फोर ऑप्शंस, राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग विजित, अर्पण बोल रहे हैं डोंट नो, प्रवेश सर बोल रहे हैं पास, प्रियंका कुमारी बोल रही है 10, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 11। तो 11 कंपनीज के शेयर बेचे जाएंगे सीपीएससी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। नाबार्ड हैज प्लान टू रेस दिस अमाउंट थ्रू नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इन 2019-20। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब होता है कि ऐसे डिबेंचर्स जिसको फ्यूचर में आप शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको पता है डिबेंचर एक बोरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन एक कन्वर्टिबल डिबेंचर भी आते हैं जिसको आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है। तो बेसिकली आपको ये याद नहीं रखना है, आपको अमाउंट पे आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा? और आंसर की बात करें, आंसर क्या होगा? आंसर इज 60,000 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर डी। तो 60,000 करोड़ रुपीज ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर गाइज। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। नेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन गोल्ड एट वर्ल्ड यूनिवर्स साइट। हमारे देश की पहले एथलीट जिन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्स साइड में गोल्ड मेडल जीता, और हमारे सामने फोर ऑप्शंस हैं, द्युति चंद, हीमा दास, स्वप्ना बर्मन और मोनिका बत्रा। और आपको सही आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए।
गाइस भूलिएगा नहीं, रात के 11 बजे, रात के 10:30 बजे आपका रिवीजन है करंट अफेयर्स का। तो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर आप जाएं और मेरा सेशन ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे, अगर नहीं लेंगे ऐसे देखेंगे तो आपको मेरे नोट्स भी नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? एंड द आंसर इज, एंड द आंसर इज द्युति चंद इन 100 मीटर। वेरी गुड प्रियंका, बहुत अच्छे। चलिए, हिमा दास नहीं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एज पर द लेटेस्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री डेटा, द डिपॉजिट इन जनधन अकाउंट हैज क्रॉस मार्क ऑफ रुपीज दिस अमाउंट। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें, 28 अगस्त 2014 को ये लॉन्च किया गया था। इसमें 2,00,000 रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, 30,000 का डेथ कवर मिलता है, 30,000 का डेथ कवर मिलता है और 10,000 का ओवरड्राफ्ट मिलता है, ओडी मिलता है। और अगर हम बात करेंगे एसएचजी की बात करेंगे तो एसएचजी की जो वुमेन मेंबर्स हैं इनको पर मेंबर 5,000 रुपीज का ओवरड्राफ्ट मिलेगा। अभी ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एंड द आंसर इज रुपीज 1,00,000 करोड़ रुपीज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये वाला पॉइंट गाइस देख लीजिएगा, एसएचजी वुमेन्स 5,000, ठीक है, हाँ 36 करोड़ अकाउंट, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। चलिए आइए गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। RBI has finalized 3-year roadmap to improve regulation and supervision of the central bank. What is the name of the roadmap? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आ भी चुका है और आगे भी एग्जाम में आने चांसेस हैं। प्रोफेसर पर मेंबर, क्योंकि वन मेंबर को तो 10,000 मिलेगा ही मिलेगा, पर मेंबर एक्चुअली क्या होता है ना, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो ये ओवरड्राफ्ट 10,000 बोला जाता है, आपको बता दूं मैं कि एक परिवार में केवल एक लोग को ही मिलेगा, याद रखिएगा। आंसर इज उत्कर्ष 2022, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12, नेम द विनर ऑफ 2019 क्रोशिया ग्रैंड चेस टूर। नेम द विनर ऑफ 2019 क्रोशिया ग्रैंड चेस टूर। We have 4 ऑप्शन और आंसर क्या होगा आइए देखते हैं। देखिए अगर आंसर की बात करें तो मैग्नस कार्लसन, ये तो आपको पता ही है। अब जरा मुझे बताइए कि मैग्नस कार्लसन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? अगर ये एग्जाम में आ जाए तो हम क्या आंसर देंगे? मैग्नस कार्लसन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अपने सीए में, मे भी शायद आप लोग बताएं मुझे, कार्लसन की कंट्री बताइए मुझे जरा। From Norway, बिल्कुल सही, From Norway is right answer, ठीक है guys, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। कारियाकोस मिटसोटस्की has been appointed as the Prime Minister of which country? तो क्वेश्चन नंबर 13, कई बार ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, मेरे ख्याल से सारे बच्चे सही आंसर देंगे इसका। तो कारियाकोस मिटसोटाकीस की बात करें अगर, तो ये प्राइम मिनिस्टर बने किस कंट्री के और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जी हां ग्रीस, ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस एथेंस यूरो, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, तो एयू सेलेस्टीन हु डाइड रिसेंटली वाज अ प्रोफेशनल प्लेयर ऑफ। तो एयू सेलेस्टीन जो है वो अभी इनकी मृत्यु हो गई है, ये किस खेल के प्लेयर थे ये आपसे पूछा गया, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल। And the answer is football, option number A. तो एक obituaries पर point है आपके सामने, हालांकि याद करना काफी मुश्किल हो जाता है। आइए next question. Which Indian film has won the Network for the Promotion of Asian Cinema Award at the 2019 Bucheon International Fantastic Film Festival of South Korea? तो which Indian film has won the Network for the Promotion of Asian Cinema Award? चलिए answer दीजिएगा। We have 4 options. और यहां पे शुभ्राशीष गांगुली बोल रहे हैं गली बॉय, मीनू बोल रहे हैं गली बॉय, प्रियंका बोल रहे हैं गली बॉय, एंड द राइट आंसर इज गली बॉय, ऑप्शन नंबर डी। तो गली बॉय ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड। सिंपल क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसका सही आंसर देंगे मुझे पता है। हाँ, जोया अख्तर गली बॉय ऑस्कर के नॉमिनेट हुई है। क्वेश्चन नंबर 16,
सुब्राशीष का पहला आंसर बोल रहे हैं एन नागेश्वर राव, क्या ये सही आंसर है? एंड द राइट आंसर इज एन नागेश्वर राव, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाज फर्स्ट सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन मेडिसिन एंड हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? एशिया का पहला सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन मेडिसिन एंड हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? वी हैव फोर ऑप्शंस गाइस, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। और आप लोग बोल रहे हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड इज राइट आंसर, उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर हमारा है। हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। नेम द प्लेयर हु हैज बीन अवॉर्डेड द AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2018-19। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से AIFF का मतलब आपको पता है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो एक ही प्लेयर है जो ये जीत सकता है अवार्ड, हमको पता है वो प्लेयर कौन है, देखते हैं। जी हां, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सुनील छेत्री, ऑप्शन नंबर ए। सुनील छेत्री ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। विच अमंग द फॉलोइंग मिसाइल डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज येट टू बी इंडक्टेड इन द इंडियन आर्मी? विच अमंग द फॉलोइंग मिसाइल डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब इसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, IGM DP, और ये अभी इंडियन आर्मी में आने वाली है, अग्नि पृथ्वी आकाश नाग। आपको आंसर देना क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए। और यहां पर आकाश का भी आंसर आया है, पृथ्वी भी आई है, नाग भी आया है। फिलहाल आंसर की बात करें, आंसर इज नाग, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आकाश तो एयर टू एयर मिसाइल हो गई ना बेटा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की, क्वेश्चन नंबर 20th, हु हैज बीन सॉन इन एज द न्यू फोर्स कमांडर ऑफ द UN मिशन इन साउथ सूडान? तो ये भी आपको पता है क्या इनका नाम है, काफी बार हम लोग बात कर चुके हैं इस पर। तो न्यू फोर्स कमांडर ऑफ द UN मिशन इन साउथ सूडान, वी हैव फोर ऑप्शंस गाइस, आंसर क्या होगा देख लीजिए यहां पर। और गाइस अगर आपको टाइम मिले तो इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, भले एक घंटे के बाद भले दो घंटे के बाद। एंड द आंसर इज SS ट्रिनाकर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉफी टेबल बुक नेम्ड 50 ईयर ऑफ पार्टनरशिप ऑफ चेंज हैज बीन लॉन्च टू कमेमोरेट 50 ईयर्स ऑफ पार्टनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो 50 साल पार्टनरशिप पूरा होने की खुशी में एक बुक लॉन्च की गई है, 50 ईयर ऑफ पार्टनरशिप, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। किसके साथ, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये आपसे पूछा गया। वी हैव फोर ऑप्शंस, महिमा बोल रही है FAO मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, और देख लेते हैं, चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका भी हेडक्वार्टर रोम में ही है और इसका भी हेडक्वार्टर रोम में ही है, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और हमारे देश के अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो इनके बीच में 50 ईयर पार्टनरशिप कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, न कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे, आपके सामने देख लीजिए। तो विच कंट्री हैज वॉन द 2019 कोनकाफा गोल्ड कप? अगर आप मेरा CA फॉलो करते हैं तो मैंने फुटबॉल में इसके काफी रिविजन भी कराया है आपको, और मेरे ख्याल से आप लोग सही आंसर दे भी लेंगे इसका। सुब्राशिष गांगुली बोल रहे हैं मैक्सिको, क्या ये सही आंसर है? ओमकार बोल रहे हैं मैक्सिको, प्रियंका बोल रही है मैक्सिको, एंड द आंसर इज मैक्सिको। क्या आप मुझे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैक्सिको ने किसको हराया? बीट USA, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI हैज रिसेंटली फॉर्म्ड अ कमेटी टू आइडेंटिफाई इश्यूज रिलेटेड टू सेंट्रल बैंक विच नीडेड टू बी एड्रेस बाई द 2022। द कमेटी वॉज हेडेड बाई, इस कमेटी को हेड कौन करेंगे, यह आपसे पूछा गया है, देख लीजिए फिर से एक बार। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी फॉर्म की है टू आइडेंटिफाई इश्यूज रिलेटेड टू सेंट्रल बैंक विच नीडेड टू बी एड्रेस बाय द 2022, मतलब कि उत्कर्ष की हम बात कर रहे हैं 2022।
तो कहने का मतलब कौन कौन से इश्यूज हैं जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को काम करना चाहिए, उस इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी को लीड कौन कर रहे हैं ये आपसे पूछा गया है और आपके आंसर आ रहे हैं एंड द आंसर इज विराल आचार्य। अब देखिए विराल आचार्य ने रिजाइन कर दिया है तो इस कमेटी को आगे कौन बढ़ा रहा है, इस कमेटी को आगे बढ़ा रहे हैं एनएस विश्वनाथन जी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कमेटी को लीड कर रहे थे वायरल आचार्य, अब कौन कर रहे हैं, विश्वनाथन जी। तो ये अपने आप अपना थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज वॉन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर, तो यह भी आपको पता होगा मेंस में सुनील छेत्री जी थे, वुमेन्स की बात करें तो अरे सॉरी बीबी का उनको है कि विश्वनाथन जी हैं, एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग बात चेक कर लेना, मुझे एमएस विश्वनाथन नजर आ रहा है लेकिन बीपी का उनको आप लोगों ने बोला है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आशालता देवी है, ऑप्शन नंबर बी, आशालता देवी इज राइट आंसर, आशालता देवी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बीपी प्रियंका बोल रही है बीपी कानूनगो लीड कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग, तो बीपी कानूनगो लीड कर रहे हैं उस कमेटी को, एक बार आप और चेक कर लीजिएगा। वैसे प्रियंका बोल रही है तो सही बोल रही होंगी मुझे लगता है ऐसा, महिमा भी बोल रही है, ठीक है महिमा, ठीक है आप दो लोग का आ गया, तो बीपी कानूनगो इज राइट आंसर। चलिए पारुपल्ली कश्यप लॉस्ट टू विच प्लेयर इन मेन सिंगल फाइनल्स ऑफ कैनेडा ओपन सुपर 100 टूर्नामेंट सेडल फॉर सिल्वर, तो पी कश्यप की बात कर रहे हैं, ये मेन सिंगल फाइनल्स ऑफ कैनेडा ओपन सुपर 100 टूर्नामेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, ये किससे हार गए ये आपसे पूछा गया, ठीक है। देखते हैं आंसर, देखिए अब यहां पर अगर हम आंसर की बात करें, आंसर इज ली शीफिंग। अब जरा मुझे बताइए कि ली शीफिंग किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ली शीफिंग किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, कमेंट कर दीजिए जरा सा। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं गाइस, एक बार ये कमेंट कर दीजिएगा, कोई ये कमेंट नहीं कर रहा है, बस नामी लोग बोल रहे हैं ली शीफिंग, ली शीफिंग। चलिए चाइना आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट टीम हैज वॉन द 2019 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, तो आपको पता है कि 2019 फीफा वुमेन्स कप कहां पर हुआ, फ्रांस में हुआ, ठीक है। और कौन जीता ये भी आपको पता है, कौन हारा ये भी आपको पता है, आंसर जरा दीजिएगा, क्या इसका आंसर देख लीजिए यहां पर, आंसर इज यूएस, यूएस ने किसको डिफीट किया, अगर ये बोल दें आप लोग तो और अच्छा लगेगा, यूएसए डिफीटेड बाई नीदरलैंड, जी हाँ बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, तो बोनालू इज द एनुअल हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो बोनालू की बात कर रहे हैं किस स्टेट, तो देखते हैं आंसर क्या देंगे आप लोग। अभिनव बोल रहे हैं तेलंगाना, प्रियंका कुमारी बोल रहे हैं तेलंगाना एंड द आंसर इज तेलंगाना। अभी अगर आपने मेरा सीए देखा होगा तो मैंने तेलंगाना का स्टडी पॉइंट आपको रिवीजन करवाया, मैंने वहां पर आपको अभी पढ़ाया कि बुनालू तेलंगाना का फेस्टिवल है, हाँ आज ही बताया है मैंने, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट, विवेका दीपनी इज अ कॉम्प्लीशन इन 10 लैंग्वेजेस ऑफ सेलेक्टेड फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स मेंशन इन प्रश्नोत्तर रत्ना मलिका रिटन बाय श्री आदि शंकराचार्य, द बुक हैज बीन कंपाइल्ड बाय, अच्छा क्वेश्चन है, फिर देख लीजिए एक बार यहां पर, देखिए क्या बात हो रही है, विवेका दीपनी ठीक है इज अ कंपाइलेशन ऑफ 10 लैंग्वेजेस ऑफ सेलेक्टेड फैक्ट एंड प्रिंसिपल मेंशन इन प्रश्नोत्तरा रत्नामलिका रिटन बाय श्री आदि शंकराचार्य जी, इस बुक को कंपाइल किसने किया ये आपसे पूछा गया और आंसर क्या हुआ देख लीजिए यहां पर। और आंसर की बात करेंगे वेदांता भारती, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज वॉन द 2019 कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट, कोपा अमेरिका फुटबॉल, अभी हमने कौन का अभी हमने बात कर ली मैक्सिको वाली कोनकासा की, अब हम कोपा अमेरिका की बात कर रहे हैं, आंसर दीजिएगा।
शुभ्राशीष बोल रहे हैं ब्राजील, ब्राजील सही आंसर है। ब्राजील ने किसको हराया, ब्राजील ने किसको हराया, ब्राजील ने किसको हराया, ब्राजील ने पेरू को हराया, ठीक है, ब्राजील ने पेरू को हराया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विच इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन ओडिशा कलिंग नगर हैज बिकम फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। विच इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन ओडिशा कलिंगा नगर हैज बिकम फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। वी हैव फोर ऑप्शंस, आंसर दीजिएगा। सुब्राशीष बोल रहे हैं टाटा पावर, मीनू बोल रहे टाटा स्टील, आशीष बोल रहे हैं सी, क्या इसका आंसर होगा, आंसर इज टाटा स्टील, टाटा स्टील ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया बाय लिंकेजन। तो लिंक्डइन ने कंट्री मैनेजर किसको बनाया इंडिया के लिए, आपसे पूछा गया। वी हैव फोर ऑप्शंस, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को आंसर याद हो गया होगा, आंसर क्या होगा, गाइज आंसर फास्ट। ठीक है, और अगर आंसर की बात करें, आंसर इज आशुतोष गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन अंडर द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2019-20 एज पर फिस्कल ईयर इज 20 kg फॉर विच कैटेगरी ऑफ बायर्स। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है आपका, इसमें मैक्सिमम 20 kg का आप परचेस कर सकते हो, लेकिन कौन, 20 kg के लिए किसको छूट मिली है, वैसे हम लोग के लिए तो 4 kg है मैक्सिमम। तो जो ट्रस्ट होते हैं, जो ट्रस्ट होते हैं उनके लिए 20 kg की छूट है, ठीक है। नहीं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए 4 kg है, 4 kg, बस 4 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर क्या होगा, इस जो मैंने अभी आपसे पूछा, द पैन कार्ड नॉट लिंक विद द आधार विल बिकम इनवैलिड बाई। देखिए, तो यहां पर 1 सितंबर लिखा है, बट ये अगस्त का पॉइंट था, तो अब ये चेंज होकर 31 दिसंबर हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द ईयर 2019-20 एज प्रेडिक्टेड बाई स्विस ब्रोकरेज फर्म UBS। चलिए आंसर दीजिएगा। तनुजा बोल रही है 6.9, सुष्मिता बोल रही है 6.3, क्या इसका आंसर होगा, आंसर इज 6.7, ऑप्शन नंबर बी, और यूबीएस ने अभी तक चेंज नहीं किया है, तो 6.7 इज राइट आंसर। प्रवेश सर, भूख तो मुझे भी लगी है, आपका बढ़िया है, ब्रेड एंड टोस्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 6.7%, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, यहां पर यूबीएस की हम बात कर रहे हैं, ठीक, यूबीएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो अब इसका आंसर पता ही होगा, July 11, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए, ये मिक्स बैग है, इसमें जुलाई के, अगस्त के, सितंबर के न्यूज मिलेंगे आपको। Which of the following financial institution has inked USD 100 million pact with Papua New Guinea for infrastructure project? तो इसका भी आंसर आपको पता है, 100 million US dollar pact with Papua New Guinea। और इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात कर रहे हैं गाइज, और आंसर की हम बात करते हैं, क्या इसका आंसर होगा। यहां पर आप लोग बोल रहे हो एक्सिम बैंक, तो क्या एक्सिम बैंक सही आंसर है? तो एक्सिम बैंक ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। गाइज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, ठीक है। तो नेम द कैंपेन लॉन्च बाई द DGRPF टू कर्ब द मीन्स ऑफ अनऑथोराइज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इन द रेलवे प्रीमाइसिस। ये आपको पता होगा, अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आ भी चुका है। और क्या इसका आंसर देख लेते हैं यहां पर, हाँ, एक्सिम बैंक मुंबई 1982, प्रियंका इसके सीएमडी का नाम भी बता दो और अच्छा लगेगा।
और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑपरेशन थर्स्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने, आंसर दीजिएगा। गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स टू सजेस्ट मीजर्स फॉर क्रिएटिंग $110 बिलियन मोबाइल फोन एक्सपोर्ट बिजनेस फ्रॉम इंडिया। हु इज द हेड ऑफ द पैनल, हु इज द हेड ऑफ द पैनल, यानी कि इंडिया का एक्सपोर्ट मोबाइल फोन का $110 बिलियन करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी को लीड कौन कर रहा है। आंसर क्या होगा यहां पे, और आंसर की बात करें, आंसर इज अमिताभ कांत। आई होप कि आप लोग को यह पता होगा अमिताभ कांत कौन है नीति आयोग में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। वर्ल्ड लार्जेस्ट मूवेबल मेटल डोम नेम्ड न्यू सेफ कन्फाइनमेंट हैज बीन अनवील्ड इन विच कंट्री। वर्ल्ड लार्जेस्ट मूवेबल मेटल डोम नेम्ड न्यू सेफ, नेम्ड है इसका न्यू सेफ कन्फाइनमेंट, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया, यूक्रेन, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया। प्रंजीत बोल रहे हैं यूक्रेन, प्रियंका बोल रहे हैं यूक्रेन, सारे बच्चे बोल रहे हैं यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल करेंसी भी अगर आप कमेंट कर देंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। तो ईशा कांत इज द वनली इंडियन टू बी सिलेक्टेड अमंग द टू पीपल ग्लोबली फॉर द इंटर्नशिप एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन 2019। शी हेल्स फ्रॉम विच स्टेट। ईशा कांत केवल एकमात्र इंडियन है जिन्हें चूज किया गया है फॉर द इंटर्नशिप एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। शी हेल्स फ्रॉम विच स्टेट। और यहां पर प्रियंका कुमारी बोल रही है दिल्ली, और महिमा बोल रही है दिल्ली, सुरभि कीर्ति दिल्ली, प्रियंका दिल्ली बोल रही है, एंड द आंसर इज दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस म्यूजिशियन एंड सिंगर जो गिल्बर्टो हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज फ्रॉम विच कंट्री। स्पेन, ब्राजील, फ्रांस, फिनलैंड। गाइस दियर फोर ऑप्शंस। जी हां, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हेग में है। और अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या होगा इसका, और आंसर इज ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी। ब्राजील इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब ब्राजील नॉट स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय एक्सिम बैंक फॉर हेल्थ केयर सिस्टम इन द रिपब्लिक ऑफ सेनेगल। अब गाइस सेनेगल की कैपिटल करेंसी भी आपको कमेंट करनी है, अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप याद करिए बिकॉज आपका एग्जाम है। तो सेनेगल की कैपिटल करेंसी भी कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन उसके पहले एक्सिम बैंक ने कितना लाइन ऑफ क्रेडिट अप्रूव किया, यह आपसे पूछा गया, और इसका आंसर क्या होगा। सुब्राशीष बोल रहे हैं $24.50 मिलियन। अच्छा, और कोई, और आंसर की बात करें $24.50 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। $24.50 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आज आपने मेरा सीए देखा होगा, हालांकि मैंने इसको बड़े तेजी से निकाल दिया था, फिर भी अगर आपको याद हो तो आंसर करिएगा। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन पब्लिश करता है। और सुषमा बोल रहे हैं यूएनडीपी, प्रोफेसर बोल रहे हैं यूएनडीपी, और देख लेते हैं, प्रियंका यूएनडीपी, सरायना यूएनडीपी, एंड द राइट आंसर इज यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यूयॉर्क में है। बिल्कुल सही प्रियंका, बहुत अच्छे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट हैज पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू लॉन्च इट्स को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरे पूरे चांसेस रखता है। चलिए गाइस आंसर की बात करें, प्रोफेसर बोल रहे हैं कोटक, प्रंजीत बोल रहे हैं एक्सिस, महिमा बोल रही है एक्सिस, एंड द आंसर इज एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर ए। एक्सिस बैंक इज राइट आंसर।
तो एक्सिस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की है और को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है गाइज, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द 2019 हिमालयन स्टेट कॉन्क्लेव विल टेक प्लेस एट कहां पर? स्टेट तो आपको पता ही दिख रहा है, स्टेट क्या होगा तो स्टेट भी बता दीजिएगा जरा। और अगर आंसर की बात करें गाइस, आंसर क्या होगा देखिए यहां पर, एंड द आंसर इज मसूरी, ऑप्शन नंबर सी, मसूरी देहरादून, मसूरी। स्टेट बताइए आप लोग, उत्तराखंड। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन हैज अनाउंस टू प्रोवाइड 100 मिलियन यूएस डॉलर लोन टू L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी फॉर फंडिंग ग्रीन एनर्जी? L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी फॉर फंडिंग ग्रीन एनर्जी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आप लोग देख रहे हो उसका आंसर क्या हुआ देख लीजिए यहां पर। अमाउंट याद रखिएगा 100 मिलियन यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, बेसिकली सोलर पावर के लिए ये लोन मिला है L&T को। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। हाँ, ADB नहीं बेटा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं 47 क्वेश्चन की अपने, है ना। तो सौमेंद्र नाथ कुंडू पास्ड अवे एट द एज ऑफ 77। ही वॉज अ वेल नोन क्रिकेटर, जर्नलिस्ट, एक्टर और पॉलिटिशियन? वैशाली बेटा, इट्स AIIB, मे बी आपने कमेंट मतलब जल्दीबाजी में किया तो वो हो गया। मनाली अभी न्यूज में क्यों था, बिकॉज मनाली में अभी एक वो हुआ ना, कोई एक्सपेडिशन हुआ था, कौन सा? एंड द आंसर इज क्रिकेटर थे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मनाली में कोई इंस्टीट्यूट भी खुला है, मनाली में नाम नहीं आता है मुझे, और लोग बता देंगे आपको। वेन इज द मलाला डे ऑब्जर्व, मलाला डे, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जुलाई 12 है, ऑप्शन नंबर डी। डेज पर हम थोड़ा स्किप करेंगे, जल्दी करेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट एवर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फॉर मीडिया फ्रीडम, मीडिया फ्रीडम कहां पर हुआ, पहली बार हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, हाईएस्ट साइकिलिंग, वेरी गुड प्रियंका कुमारी, बहुत अच्छे बेटा। हाँ निशा, बहुत अच्छे। हाईएस्ट साइकिलिंग इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मीनू, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए अब आंसर की बात करें, सुब्राशीष ने बोला लंदन, मीनू बोली लंदन, सुषमा बोली लंदन, एंड द आंसर इज लंदन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वेरी गुड फैंटास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी काउंसलर पासपोर्ट वीजा एंड ओवरसीज इंडियन अफेयर्स इन द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री? तो ये भी आपको पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कई बार पूछा हुआ है, अब तो नाम याद हो गया होगा आप लोगों को, आंसर क्या होगा देख लीजिए यहां पर। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर विकास स्वरूप है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर विल्फ्रेड मैनेजिस मेस्क्यूटा हु डाइड रिसेंटली वॉज द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? ऑर्बिट्रीज पर पॉइंट है, आंसर क्या हो सकता है देख लीजिए एक बार। हाँ, वीजा ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बनी है तुलू, वेरी गुड। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हाँ, एंड द आंसर इज गोवा, ऑप्शन नंबर डी, गोवा इज राइट आंसर, गोवा। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। एज पर द 2019 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट, इंडिया लिस्टेड हाउ मेनी पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2006 to 2016? वी हैव फोर ऑप्शंस। और क्या आप मुझे यह कमेंट कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट माना गया इस इंडेक्स में? फिलहाल आंसर की बात करें, 271 मिलियन सही आंसर आपने दिया, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन कैंसिल और दीजिएगा, जो मैंने एमपी वाला क्वेश्चन पूछा है आपसे। एमपी वाला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है, नाम आपको बताना है। और अभिनव तिवारी बोल रहे हैं अलीराजपुर,
जी हाँ सुब्रत, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आइए आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 53 की। ICMR हैज लॉन्च अ मिशन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग स्कूल चिल्ड्रन अबाउट हेल्थ, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन? ICMR वी हैव फोर ऑप्शंस गाइस। कल भी आपका सेम सेशन होगा, याद रखिएगा। और इसका आंसर क्या होगा? ऑपरेशंस मतलब मिशन शक्ति, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शक्ति इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, एमडी एंड सीएफओ ऑफ द वर्ल्ड बैंक? तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, ये कौन है? ये है अंशुला कांत जी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज अनाउंस टू ऑब्जर्व सेव वॉटर डे एनुअली ऑन दिस डे। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जुलाई 12 है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जुलाई 12 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड बिगेस्ट डायमंड माइन आर्गाइल डायमंड माइन इज बीइंग शट डाउन आफ्टर बीइंग इन ऑपरेशन फॉर ओवर 40 इयर्स। द माइन इज बेस्ड इन विच कंट्री? विश्व का सबसे बड़ा डायमंड माइन है, बंद हो गया इसलिए न्यूज में है, और आपको इसका आंसर देना है। वी हैव फोर ऑप्शंस। और अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या होगा? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 57 क्वेश्चन की। विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू हैव अ वाटर पॉलिसी? विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू हैव अ वाटर पॉलिसी? वी हैव फोर ऑप्शंस। और गाइस इसके आंसर की बात करें तो मेघालय है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशंस, मेघालय इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी साथियान इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? वी हैव फोर ऑप्शंस। तो जी साथियान किस खेल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शूटिंग, गोल्फ? आंसर दीजिएगा, क्या इसका आंसर होगा? और गाइस अगर हम आंसर की बात करें, जी साथियान काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, पर्सनालिटी है। और आंसर की बात करें, आंसर इज टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके जी हां, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिटानस नौसेडा हैज बीन स्वॉन इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ठीक है, ये किस देश के प्रेसिडेंट बने, ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। वी हैव फोर ऑप्शंस। And the answer is Lithuania, option number D. Lithuania की capital currency, ये आपका कर्तव्य है कि आपको comment कर देना चाहिए, अपने आप को जज करिए ना कि आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, कहां पर कमी है, देखिए ना आपके सामने तो है सब कुछ। Next point, which country has recently passed legalization of levy 3% tax on the digital giant Google, Apple, Facebook and अमेजन? आपको पता है गाफा टैक्स की हम बात कर रहे हैं, 3% टैक्स है, और ये कौन सा कंट्री है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे ख्याल से सारे बच्चे और बच्चियां इसका आंसर दे लेंगे। एंड द आंसर इज फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्चर फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप अ न्यू मटेरियल नेम ब्लैक गोल्ड फ्रॉम नैनो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड? कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर ने ये ढूंढा, ये आपसे पूछा गया। वी हैव फोर ऑप्शंस। ठीक है, फ्रांस इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर की बात करें, आंसर इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई ने ये काम किया। ठीक है गाइस, आगे बढ़े, अब बात करते हैं 62 क्वेश्चन पे। द न्यू एजुकेशनल फीचर कॉल्ड लर्निंग प्लेलिस्ट हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय विच वीडियो शेयरिंग कंपनी?
लर्निंग प्लेलिस्ट की हम बात कर रहे हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कौन सा किसने किया है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन। जी हाँ अभिनव, बिल्कुल सही। और आंसर क्या होगा? आंसर इज यूट्यूब, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यूट्यूब इज राइट आंसर गाइस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 63rd क्वेश्चन की। तो एमजे राधाकृष्णा हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ वेल नोन सिनेमेटोग्राफर, ही वर्क फॉर विच फिल्म इंडस्ट्री? एमजे राधाकृष्णा जिनका निधन हो गया है, ये एक बड़े फेमस सिनेमेटोग्राफर थे। ये किस भाषा, किस फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करते थे? कन्नडा, उड़िया, मराठी और मलयालम, मतलब कि बॉलीवुड में काम थे या नहीं करते थे? आंसर, आंसर की बात करें, आंसर अभी तक नहीं आए हैं इसके। महिमा बोल रही है मलयालम, प्रोफेसर बोल रहे हैं कन्नडा, दो आंसर मिल चुके हैं। सुष्मिता बोल रही है कन्नडा एंड द आंसर इज मलयालम, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मलयालम इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 64। जल धारो, जल भरो, कलेक्ट वाटर, स्टोर वाटर इज अ वाटर कंजर्वेशन स्कीम लॉन्च बाय विच स्टेट? आइए आंसर की बात करते हैं, नाम से मालूम चल रहा है कि कहां का होगा। देखिए फिलहाल आंसर की बात कर लें एक बार। एंड द आंसर इज, एंड द आंसर इज सुब्राशीष, तो जानती होंगे, बोल रहे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इज राइट आंसर। तो भाषा से ही मालूम चल रहा है हमको कि वेस्ट बंगाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन एथलीट हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन 200 मीटर वुमेन्स इवेंट एट द क्लाडिनो मेमोरियल एथलेटिक मीट 2019। देख लीजिए यहां पर 200 मीटर वुमेन्स इवेंट की बात कर रहे हैं, आंसर दीजिएगा। क्लाडिनो मेमोरियल एथलीट मीट 2019, आंसर। रंजीत बोल रहे हैं हिमा दास, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर इज हिमा दास, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, हिमा दास इज राइट आंसर। वेरी गुड, फैंटास्टिक गाइस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो फॉर्मूला 1 2019 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो अब ये तो सिंपल है, हमें याद भी होगा है ना। और गाइस अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा लेविस हैमिल्टन। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 67 की। द वेल नोन फर्नांडो कॉर्बेटो हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ नोटेबल, फर्नांडो कॉर्बेटो। हालांकि आंसर की बात करें, ऐसे लोग तो ब्राजील के ही होते हैं नाम से, है ना। आंसर देंगे क्या आप लोग? लुईस हैमिल्टन फ्रॉम उत्तराखंड, अच्छा यूके मतलब ब्रिटेन। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एंड द आंसर इज कंप्यूटर साइंटिस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द विम्बलडन ओपन? तो आपको पता है विम्बलडन ओपन इस बार किसने जीता? सिमोना हैलेप में, विनस विलियम्स ने, सेरेना विलियम्स ने और कैरोलिना पलिस्कोवा ने। आइए सिंपल क्वेश्चन है तो हम आगे बढ़ेंगे। आंसर इज सिमोना हैलेप फ्रॉम रोमानिया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्प्रिंटर मोहम्मद अनस याहिया कंपीट इन विच ऑफ दिस इवेंट? ये भी हिमा दास के साथ गोल्ड मेडल जीते थे, दौड़ते हैं ये, रेस रनर है, रनर हैं ये। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 400 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो मोहम्मद अनस की बात करें, 400 मीटर में ये दौड़ते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ 2019 डब्ल्यूबीसी इंटरनेशनल वेट वेल्टर वेट टाइटल? Who is the winner of 2019 WBC International Welterweight Title? ये किसने जीता ये आपसे पूछा गया। और आंसर की बात करें, आंसर इज आमिर खान, ऑप्शन नंबर डी, बॉक्सिंग टूर्नामेंट है ये बेसिकली, आमिर खान इज राइट आंसर, पाकिस्तानी मूल के बॉक्सर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हुसैन मोहम्मद अरशद पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? और गाइस इसके आंसर की बात करें, आंसर इज बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश इज राइट आंसर। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड यूथ स्किल डे?
वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आवाज नहीं आ रही है, कैसे भैया आवाज तो आ रही है? आंसर क्या होगा? आंसर इज जुलाई 15, ऑप्शन नंबर डी। जुलाई 15 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्टर आरजी इज अ न्यू एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च बाय विच कंट्री। तो स्पेक्टर आरजी जो है ये नई एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप है, ये किस कंट्री ने लॉन्च किया? रशिया, फ्रांस, यूएस और जापान। चलिए, वी हैव फोर ऑप्शंस गाइस, जल्दी करें आंसर दें, हम आगे बढ़ेंगे। आंसर इज रशिया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन जज हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज एन इंटरनेशनल जज ऑफ द सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट। और आपको इसका आंसर पता है, क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए यहां पर। वी हैव फोर ऑप्शंस, कई बार ये क्वेश्चन करा जा चुका है आपको। और अगर हम आंसर की बात करें गाइस, तो आंसर इज एके सीकरी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ विम्बलडन ओपन मैन सिंगल। तो फीमेल की बात हमने कर ली और मेल का नाम हम लोग जानते हैं, ये कौन है? ये है नोवाक जोकोविक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा मेड रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग हाईएस्ट सेंचुरी इन अ सिंगल एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप ड्यूरिंग द 2019 आईसीसी वर्ल्ड कप। हाउ मेनी सेंचुरीज वेयर हिट बाय द प्लेयर ड्यूरिंग द इंटायर टूर्नामेंट। रोहित शर्मा का दूसरा नाम हिटमैन भी है, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शंस, जल्दी से आंसर दीजिए। कितने इन्होंने सेंचुरी मारे, ये आपसे पूछा गया। और आंसर की बात करें, आंसर इज 5, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 5 इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 77। हु अमंग द गिवन प्लेयर्स हैज वॉन द गोल्डन बैट अवार्ड इन द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। तो जो बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाता है उसे मिलता है गोल्डन बैट, और सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? रोहित शर्मा ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 78। How much amount has been approved by the World Bank for first resilient Kerala program? It is also very important question. Previous exams में ये question आ भी चुका है। Answer की बात करते हैं, क्या इसका answer होगा देखिए यहाँ पर। Kane Williamson को Player of the Tournament मिला था। Player of the Tournament is another award, ठीक है। Golden Bat का मतलब highest run, Golden Ball का मतलब highest wicket keeper। चलिए, अब इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। आंसर इज 250 मिलियन यूएस डॉलर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर गाइस। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 79। द कॉमन सर्विस सेंटर हैज लॉन्च्ड द क्रेडिट कार्ड स्मॉल बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद विच बैंक। तो सीएससी ने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, स्मॉल बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड, किस बैंक के साथ? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मैंने करवाया भी और एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस इसके हैं। चलिए, हाँ, मिशेल स्टार्क गोल्डन बॉल, जी बिल्कुल। और आंसर की बात करें, आंसर इज एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेरी गुड, फैंटास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूके इंडिया ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी मीट 2019 वाज हेल्ड इन विच सिटी। यूके इंडिया ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी मीट 2019 वाज हेल्ड इन विच सिटी? बर्मिंगम, पुणे, न्यू दिल्ली, लंदन। भैया फोर ऑप्शन, सही आंसर आपको देना है। अंकित मिश्रा, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पे हमारी, ठीक है। तो वी हैव फोर ऑप्शंस, व्हाट इज योर राइट आंसर गाइस? और अगर राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज लंदन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लंदन इज राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 81। विच कंट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2020? तो IISF का वर्ल्ड कप जो अभी कौन सा देश होस्ट करेगा? आपको बताया कि हर साल 3 बार होता है, तो ये पहली बार की बात हो रही है और इसका आंसर इंडिया हो जाएगा। इंडिया इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 2019 में भी इंडिया में हुआ था, देन शंघाई में हुआ था, देन म्यूनिक में हुआ था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, संगीत नाटक अकेडमी हैज रिसेंटली इलेक्टेड फोर न्यू संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप, ठीक है। विद दिस द टोटल फेलोशिप ऑफ द अकेडमी हैज रीच टू। तो कितने लोग टोटल होगा, ये आपसे पूछा गया। और गाइस आंसर की बात करें, आंसर इज
40 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 40 इज राइट आंसर, ठीक है, 40 लोग टोटल हो चुके हैं। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। पलाऊ हैज ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलियंस एंड हैज बिकम द विच नंबर ऑफ कंट्री टू साइन द ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, वी हैव फोर ऑप्शंस, आंसर दीजिएगा। पलाऊ, पलाऊ की बात कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। और आंसर की बात करें, आंसर इज 76, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 44th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी विल बी हेल्ड इन विच कंट्री इन 2020? 44वां सेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का ये किस कंट्री में होगा, ये आपसे पूछा गया है। वी हैव फोर ऑप्शंस और इसका सही आंसर आपको देना। हाँ, 79th सेंट विंसेंट, ठीक है। और आंसर की बात करें, आंसर इज चाइना, ऑप्शन नंबर डी, चाइना इज राइट आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैव बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ड्यूरिंग द 2019 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैव बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड, तो क्या होगा आंसर देख लीजिए। यहां पर वी हैव फोर ऑप्शंस। चलिए आंसर की बात करते हैं, आंसर इज 29, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, The Union Cabinet has recently approved to extend the term of 15th Finance Commission to, तो आपको पता है कि 15th Finance Commission का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है कब से, तो इसका आंसर आपको देना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जैक्टली। और आंसर की बात करें, आंसर इज 30th नवंबर 2019, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व ऑन, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनका आंसर जुलाई 17 है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरेक्टिव असिस्टेंस चैटबॉट नेम अभिजीत, मतलब अभी यहां पे जीत लगा दो मेरा नाम हो जाएगा, है ना। आंसर वी हैव फोर ऑप्शंस। और आंसर की बात करें, आंध्रा बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आंध्रा बैंक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट हैज फॉर्म हाउ मेनी मेंबर कमेटी to suggest measures of controlling extinction of great Indian bustard, चिड़िया का नाम है, and lesser floricon, floricon. तो कितने member committee की बात हो रही है, इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा 3, option number A is right answer. Next question, who has been elected as the next president of European Commission? European Commission का next president किसे चुना गया, ये आपसे पूछा गया, we have 4 options, और answer क्या होगा, आंसर क्या होगा, उर्सुला वॉन डर लियन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज एक्सपेंडेड इट्स गो ग्लोबल प्रोग्राम टू इंडिया टू हेल्प इंप्रूव स्किल अमंग इंडियन स्टार्टअप? तो गो ग्लोबल प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया में जो स्टार्टअप है उनके स्किल को इंप्रूव करने की बात हो रही है। वी हैव फोर ऑप्शंस and the right answer is UK, option number B is right answer. Next question, what is the rank of India's richest person Mukesh Ambani in the latest Bloomberg Billionaire Index? Mukesh Ambani ki rank exam mein puchi bhi aati hai aise. Answer is 13, option number A is right answer. Next question, the educational app G-Ready, G-Ready matlab ye joint engineering entrance exam ki baat ho rahi hai, has been launched by which company? Ye bhi achha question hai aur iska answer Amazon hona chahiye mere hisab se. Amazon, option number B is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, भावना टोकेकर हैज रिसेंटली वॉन 4 गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द ओपन एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, शी हेल्स फ्रॉम विच सिटी, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? भावना टोकेकर, 4 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है इन द ओपन एशिया पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में और ये बिलोंग करती है पुणे से, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। टाइटल से ही लग रहा था कि महाराष्ट्रियन है ना, तो इस तरह से भी हम कभी रीजनिंग बना सकते हैं, लाइक प्रियंका का नाम देख लीजिए, लगता है टाइटल से महाराष्ट्रियन है ना। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल ऑन जीपीएफ फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर? अब जुलाई टू सितंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7.9%, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्नेल विटेकर हु डाइड रिसेंटली वॉज अ लेजेंडरी, तो ये क्या थे, ये आपसे पूछा गया, वी हैव फोर ऑप्शंस and the answer is boxer थे ये। Next question, who has topped the latest list of the Bloomberg Billionaire Index? तो मुकेश अंबानी 13 नंबर पे और टॉप किया जेफ बेजोस ने, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं है बस, तो गाइज थैंक यू सो मच। और मैं आपसे आपको इंफॉर्मेशन दे दूं,
हमारा एएम लाइव कोड, प्लीज इसे सपोर्ट करिए और जो भी एडमिशन लेना चाहे वो एएम लाइव कोड से एडमिशन ले सकता है, चाहे बैंकिंग, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे यूपीएससी, कोई भी एएम लाइव कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, हमारा भी फायदा हो जाएगा। और गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट फॉर आवर यूट्यूब चैनल, और इसी तरह हमारे सेशन को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आप सबको गॉड ब्लेस यू, अपना अच्छा करिए एग्जाम और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।